जो भेजा था उसमें क्या टॉपिक तुमने पढ़ा है बताएं जरा। साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन, और कैसे एक परम्यूटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स लिखना है, ये भी था ना उसमें, ये हमने कर लिया था। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन ये करनी है, इसे थ्योरम्स की प्रूफ ना करें, बस स्टेटमेंट्स जो हैं वो जबानी याद रखें, समझे इन्हें। अब थ्योरम क्या है प्रोडक्ट, आवाज़ हल्की आ रही है आपकी, क्या मैं पिछले लेक्चर पिछले लेक्चर में क्या है, पिछले लेक्चर में क्या है पूछूं? मैम क्वेश्चन पूछ रहा है। मैम हाँ तीन पूछे, जॉइंट साइकिल जो होते हैं ना उनका एक बार बता दें। मैंने लेक्चर में क्या बताया था आप बताएं ना, आपने लेक्चर देखा है कि नहीं, आपने पूछे ना कि आपको क्या समझ नहीं आई डिसजॉइंट साइकिल के बारे में, आप पूछे, आपने अगर देखा है ना अच्छी तरह फिर आप पूछे, अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप ना उसे देखें। मैम मतलब हम लोग किसी साइकिल को देख के किस तरह कहेंगे कि वो डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब देखो सिंपल है कि मतलब एक परम्यूटेशन है उसमें थ्री साइकिल्स अपीयर हो रहे हैं, टू साइकिल अपीयर हो रहे हैं, डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनमें एलिमेंट्स जो है वो रिपीट ना हो, जो एक साइकिल में एलिमेंट है वो दूसरे में ना हो। अब जैसे ये दो साइकिल्स हैं, ये वाले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, 1, 4, 2, 5, 3, ये दोनों साइकिल्स क्या हैं, डिसजॉइंट है, इनके इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर आप अल्फा बीटा देखें, ये जो अल्फा बीटा है, ये जो साइकिल्स हैं ये डिसजॉइंट नहीं है, नहीं है ना डिसजॉइंट, वन रिपीट हो रहा है। वन रिपीट हो रहा है शायद, और भी हो रहा है, टू भी हो रहा है, तो उन्होंने फिर इसको क्या किया था, डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में लेके आए हैं, तो फिर ये वाली इसकी डिस्टेंट साइकिल फॉर्म बन गई है। और कैसे बननी है मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया लेक्चर में, अब आपको मजीद समझ अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, प्रोडक्ट लें या एक परम्यूटेशन को ऐसी डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में खुद से लिखें, अगर कहीं से प्रॉब्लम आ रहा है फिर उनसे पूछें कि हाँ जी हमने क्या गलती की है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, ये आंसर क्यों नहीं सही आ रहा है। इससे रिलेवेंट एक्सरसाइजेस भी हैं कि आपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में इनको लिखे दिखाएं, तो वो मुझे करें सॉल्व करेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होना। डिसजॉइंट का मतलब ये कि इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए ना, जो एक एक साइकिल में जो एलिमेंट है वो दूसरे में ना हो। अच्छा पहला मैम थ्योरम जो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हम लोगों ने बनाना है तो हम उस तरह भी कर सकते हैं पहले। कैसे कर सकते हैं? मैम उन साइकिल्स की पहले मैट्रिसेस बना के फिर उनको जैसे हम हाँ पहले वैसे स्टार्ट। वैसे भी, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, उस तरह भी साइकिल बना सकते हैं, उसको आप इस तरह एरे फॉर्म में लिखें, एरे फॉर्म में लिख कर भी फिर आप दोबारा उनको डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में बना सकते हैं। लंबा काम अगर आप करना चाह रही हैं तो लंबा कर लें। अच्छा थ्योरम क्या है, एवरी परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज द साइकिल आर एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल्स। हर परम्यूटेशन को हम या तो एज अ सिंगल साइकिल लिख सकते हैं या एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल्स, क्योंकि जो भी परम्यूटेशन होगी उसको हम एज अ साइकिल या एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल्स लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे ये एक परम्यूटेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे ये एक परम्यूटेशन है, आ ठीक रही है? है हाँ, तो इसको साइकिल जॉइंट नहीं है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, टू भी हो रहा है, तो इस परम्यूटेशन को मैं डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में जब बनाना चाहूंगी तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, साइकिल के लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। अब वन किस पे, मैं साइड से चेक करना, इस साइड से हमने इधर को जाना है, वन इधर देखें, इधर भी नहीं है, इधर नहीं, इधर है वन, इधर वन आ रहा है ना, वन किस पे मैप हो रहा है, टू पर, तो इमेज हमने आप लिख,
हाँ जी नेट डिस्कनेक्ट होगा था, दोबारा देखते हैं। जैसे एक परमुटेशन मैंने इधर लिखी थी, चलो जैसे ये एक परमुटेशन है 1 2 3 4 6 2 5 3 और अगली में लिख लेती हूँ 3 2 6। अब मैंने इनको डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म, ये नहीं है, मैंने इसको थ्योरम क्या है कि हर परम्यूटेशन को डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो परम्यूटेशन है इसको डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट कर देती हूँ। आप किसी और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, जो नंबर इनमें अपीयर हो रहे हैं। तो 1 किस पर मैप हो रहा है, तो हमने इंस्ट्रक्शन से ढूंढना शुरू करना 1 को। तो ये देखें 1 इधर ही अपीयर हो रहा है, 1 2 पर मैप हो रहा है, तो इसका इमेज 2 हमने इसके आगे लिख देना है। अब 2 किस पर मैप हो रहा है, ये देखें यहाँ 2 फर्स्ट टाइम कहाँ पे अपीयर हो रहा है, 2 मैप हो रहा है 6 पर। अब 6 का इमेज हमने पिछले साइकिल में देखना है, इधर नहीं है। 6 किस पे मैप हो रहा है, 6 किस पे मैप हो रहा है, 1 पर। 1 पे हमारा इमेज 1 आ गया ना, 3 मैप हुआ। ये देखें हम 2 का इमेज ढूंढ रहे थे ना, 2 मैप हुआ 6 पर और 6 मैप हुआ 1 पर। हमारे पास 1 वापस आ गया, हमने साइकिल क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगला साइकिल हमने उस 2 का इमेज 6 पर आता, वो क्यों नहीं आगे लिखा हमने? देखें वो अगर 6 भी तो मैप हो रहा है ना कहीं पे, ये भी है, फिर ये भी एक परमुटेशन है, फिर ये भी एक साइकिल है। पिछलों में फिर हमने इस डायरेक्शन में उसके इमेज का इमेज प्लाश करना, पहले यानी हमें ये अप्लाई करनी है, फिर ये अप्लाई करनी है, फिर ये। 2 6 पे मैप हुआ, फिर 6 पे है 1 पे मैप, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं ना आ रहा, 2 6 पे नहीं ना हो रहा मैप। देखिए ये साइकिल तो 2 को 6 पे मैप कर रहा है, लेकिन और साइकिल्स भी तो हैं, वो 6 को कहाँ पे लेके जा रहे हैं वो भी देखना है। तो जैसे ये साइकिल 6 को कहाँ पे लेके जा रहा है, 1 पे, तो इसे हम फाइनली 1 पर पहुंच गए, यानी कि उसके इमेज के इमेज हमने पिछले साइकिल्स में जाते जाना। ठीक है, 2 पे अब हमने ऐसे नंबर से साइकिल स्टार्ट करना है जो स्मॉलेस्ट और इसमें अपियर नहीं हो रहा, जैसे 3 इसमें अपियर नहीं हो रहा, हम 3 से स्टार्ट ले सकते हैं। 4 से भी आप ले लें, उससे भी कोई खराबी नहीं आएगी, लेकिन हम सिर्फ फीडबैक लेते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ जाने की। 3 किस पे मैप हो रहा है, इस साइड से तलाश करना, 3 किस पे मैप हो रहा है बताएं जल्दी। 2 पे, 2 पे, और पिछले इससे पिछले साइकिल में जाएं, 2 किस पे मैप हो रहा है, 5 पे। और 5 पे इमेज पिछले साइकिल में मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए आपने 5 पे कर देना, तो आपने फिर से 5 पे स्टॉप कर देना, 5 लिख लेना। अब हमने 5 का इमेज सर्च करना शुरू करना, फिर इधर से, फिर इंस्ट्रक्शन से, 5 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, 5 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, 3 पे। और पीछे उससे पीछे सेक्टर में 3 किस पे मैप हो रहा है, अब हमने 3 का इमेज देखना है, 5 3 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, 4 4 पीछे, 4 पे, 4 लिख लेना। अब हमने 4 का इमेज ट्रेस करना है इंस्ट्रक्शन से, फिर इधर से 4 इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर 4 किस पे मैप हो रहा है, 6 पर, 6 पे, यस पर, हमने 6 लिख लेना है इसलिए इमेज इसके आगे, यानी हर नंबर का उसका इमेज। अब हमने 6 का देखना है, 6 किस पे मैप हो रहा है, इधर से देखना है, इधर से स्टार्ट लेना, राइट टू लेफ्ट जाना, 2 6 3 पर मैप हो रहा है, पिछले में देखें 3 किस पे मैप हो रहा है, 2 पर, 2 पे, और 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पर, 3 पे। तो वापस ये पहला नंबर जब वापस आ जाएगा तो हमने साइकिल क्लोज कर देना, तो ये इसकी डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म बन गई। यस मैम। 1 2 पर, 2 1 पर, और इधर 3 5 पर 5 मैम, मतलब कि जो हमारे पास ब्रैकेट है मैम, जो ब्रैकेट उसका हमारे पास जब पहले वाला रिपीट होगा तब हमने क्लोज, हां जी तब हमने क्लोज कर देने हैं जो पहले वाला एलिमेंट, क्योंकि 1 में 2 दफा थोड़ी, मतलब 6 में 3 है तो मैंने आगे थोड़ी इधर थोड़ी लिख देना, इसलिए फिर यहां पे भी तो रिपीटेशन हो सकती है। कहाँ पर रेपिटेशन हो सकती है, कोई तो नहीं करनी मैम, कोई ऐसा नहीं करनी ना, हमने रेपिटेशन नहीं करनी यहाँ पर, मतलब रेपिटेशन, हाँ जी नहीं करनी, इसलिए साइकिल को क्लोज कर देना। 6 सेकंड 3 पर मैप हुआ है, तो हमारे लिखने का स्टाइल ही ऐसा है कि उसका इमेज वो लॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप मजीद खुद से वैसी परम्यूटेशन साइकिल बनाएं जिसमें एलिमेंट रिपीट करें, फिर उनको डिसजॉइंट शक्ल में लेके आए। अब डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखने का आपके पास देखें बेनिफिट क्या है, एक तो ये इसका है बेनिफिट के डिस्जॉइंट साइकिल्स कम्यूट करते हैं, यानी आप इनको लेफ्ट टू राइट, चाहे आप अल्फा बीटा ले लें, जैसे 2 साइकिल हैं, एक साइकिल जो अल्फा है एक साइकिल बीटा, चाहे आप अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लिख लें, अल्फा को पहले लिखें बीटा को, या बीटा को पहले लिखें अल्फा को, सेम आंसर आएगा। ठीक
आम तौर पे ऐसे नहीं था, यानी कि ये वाली परम्यूटेशन 1 2 3 4 6, ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन, ये दोनों सेम है, ठीक है जाओ, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये अगला थ्योरम हम बता रहे हैं। ये वाला साइकिल और ये वाला साइकिल आपस में कम्यूट करते हैं, यानी जगह इनकी इंटरचेंज आप कर सकते हैं। यस मैम। तो आगे इसको प्रूफ शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप कर आंसर लेके चेक कर सकते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट है हम एक परम्यूटेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तरीका ना, आपके पास एक परम्यूटेशन गिवन है, आप उसका स्क्वायर लें, देखें आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो ठीक है, उसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं आ रहा तो फिर आप अल्फा क्यूब लें। अल्फा क्यूब आप कैसे लेंगे, अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अल्फा स्क्वायर आ रहा है, फिर देखें कि आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो 3 ऑर्डर होगा, वरना फिर आप अब ये देखिए एक लंबा प्रोसेस है ऑर्डर फाइंड आउट करना। हम ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर वैसे पीछे ऐसे ही फाइंड आउट करते रहे ना। जी मैम। तो लेकिन अब डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म का फायदा ये है, इस थ्योरम का फायदा ये है, आपको शॉर्टकट दे देता है। माय आकाश सुनो, आए हां जी साइलेंट करें, मैं आपको म्यूट करें सारे। तो डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म का फायदा यह है कि हम इस फॉर्म से जुबानी उसका परम्यूटेशन फाइंड आउट ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें स्क्वायर क्यूब या पावर्स ले लेके देखने की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है द ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट रिटन इन डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल। अगर आपके पास एक परम्यूटेशन है और वो डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में है, तो फिर उस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो उसमें साइकिल अपीयर हो रहे हैं उनकी लेंथ का हम एलसीएम लेंगे। लेकिन शर्त क्या है, ये थ्योरम हर परम्यूटेशन के लिए है नहीं है। एक परम्यूटेशन जो है पहले उसको डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में आपने लेके आना है, फिर आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक परम्यूटेशन है, अब ये डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में है, 1 2 3 6 4 5, ये डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बाय दिस थ्योरम, एलसीएम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइकल्स। इस साइकिल की लेंथ क्या है, नाउ 4, इस साइकिल की लेंथ क्या है 2, और दोनों नंबर्स का आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इस परम्यूटेशन का ऑर्डर देखें हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसकी फॉर्म डिस्जॉइंट हो। अगर डिस्जॉइंट नहीं है तो फिर आप उसको पहले डिस्जॉइंट फॉर्म में लाएंगे। अब एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, आपने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, चलें करें तो जरा फाइंड आउट। पहले इसको साइकिल फॉर्म में लेके आए, फिर हाँ साइकिल फॉर्म में लाएं, देखें फिर वो साइकिल फॉर्म डिस्जॉइंट है, फिर क्या है इसका ऑर्डर, जल्दी करें जरा, 2 मिनट में सॉल्व करके मुझे बताएं इसका ऑर्डर। कागज पेंसिल नहीं है तो उठ के उठा लें, रेस्ट पे नहीं बैठना, आपने मुझे आंसर बताना है और बताना साइकिल क्या क्या बने हैं। आप जुबानी भी निकाल सकते हैं, जल्दी करें जरा, क्या है इसका ऑर्डर जो बी में है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। मैम 12 आता है। हाँ जी 12 आता है, क्योंकि देखिए जब आप साइकिल फॉर्म में इसकी बनाएंगे तो एक साइकिल लेंथ किसका आएगा, एक साइकिल क्या बनेगा, 1 7 5 3 1 7 5 3, और अगला साइकिल क्या होगा, 2 6 4 2 6 4। अब इसकी लेंथ जो है वो 4 है, इसकी लेंथ जो है 3 है, दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है 12, तो इसलिए इस परम्यूटेशन का ऑर्डर 12 है। तो ये इस थ्योरम में कितना काम आसान बना हो गया ऑर्डर निकालना। तो आगे मजीद इससे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे ऑर्डर शॉर्डर फाइंड आउट करने वाले, वो आप कर लें।
जैसे क्वेश्चन नंबर टू थ्री, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन सेवन एट, पहले सात आठ क्वेश्चन ट्राई कर लें, ठीक है? एक सेकेंड, तो अब हम देखते हैं हम लेक्चर कहाँ पे थे पीछे। नेक्स्ट है, देखें ये भी करना जरूरी है, क्या हमने एग्जांपल क्या है, ये क्या एग्जांपल है, टू डिटरमाइन द ऑर्डर्स ऑफ द 5040 एलिमेंट्स ऑफ S7। S7 में देखें S7 का ऑर्डर क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है ना, पढ़ा है ना पीछे आप लोगों ने? यस मैम। S7 का ऑर्डर 7 फैक्टोरियल होता है, 7 फैक्टोरियल किससे इक्वल होता है, 5040, यानी S7 में 5040 परम्यूटेशन है। अब उन परम्यूटेशन के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हैं ये हमें देखना, तो इसके तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर जो निकालने हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक सिंबल पहले तो इंट्रोड्यूस करवाई है कि एक ऐसा साइकिल जो जिसकी लेंथ एन हो उसको हमने इस चीज़ से डिनोट करना है, एन के नीचे देखें एक उन्होंने लाइन डाली हुई है, एक एन साइकिल को उन्होंने किससे डिनोट किया है, इससे, इसका मतलब ये नहीं है, ये देखिए एन के नीचे एक बार है, इसका मतलब है ये ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ एन है, यानी इसमें एन एलिमेंट्स हैं, देखने में तो वन एलिमेंट है ना, लेकिन ये एलिमेंट एक सिंबल है, इसका मतलब है ये एन साइकिल इस सिंबल। देन अरेंजिंग ऑल पॉसिबल डिस्जॉइंट साइकिल स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S7, अब हमें देखना है S7 के एलिमेंट्स जो हैं उनके डिस्जॉइंट साइकिल स्ट्रक्चर हम कितने डिफरेंट पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि S7 में जितने भी परम्यूटेशन है उन सारों को हम डिफरेंट साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अब उनकी कितनी डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हैं, तो ये उनकी पॉसिबल फॉर्म्स हैं S7 के एलिमेंट्स की। ज़ाहिर है S7 जो है ये परम्यूटेशन है, S7 के अंदर परम्यूटेशन हैं जो कि इस सेट के ऊपर है, 1, 2, up to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाले 7 एलिमेंट्स हमने एडजस्ट करने हैं, S7 में वही परम्यूटेशन होंगी जिनमें ये 7 एलिमेंट्स यूज होंगे, तो जाहिर है कुछ परम्यूटेशन जो होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, 7 साइकिल ऑफ लेंथ 7 की फॉर्म में, जैसे S7 में इस टाइप के एलिमेंट भी होंगे जो सिंगल साइकिल की शक्ल में होंगे, जैसे ये एक है, इसी तरह से ये भी एक है, इसकी भी यही फॉर्म है 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें देखें 2, 3 पर मैप हो रहा है, इसमें 2, 1 पर हो रहा है, डिफरेंट है ये। हाँ जी तो इसी तरह से ये देखें 3, 1, 4, तो इस तरह के कितने काफ़ी एलिमेंट मिल जाएंगे ना, अब बनाते जाएं आप थक जाएंगे बनाते बनाते, लेकिन इन सारे एलिमेंट्स में क्या कॉमन बात है कि इनका साइकिल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, और इनके कॉमन साइकिल स्ट्रक्चर यानी ये सारे जो इस तरह के एलिमेंट हैं ये साइकिल्स ऑफ लेंथ 7 ये S7 में मौजूद है और इनका ये साइकिल स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसी तरह से अब इन 7 एलिमेंट्स को मैं इस तरह से भी एडजस्ट कर सकती हूँ कि पहले 6 एलिमेंट को मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया, पहले 6 को या किसी भी 6 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक एलिमेंट को आपने इसमें एडजस्ट कर दिया, ठीक है? अब इसका साइकिल स्ट्रक्चर क्या है, ये साइकिल है लेंथ 6 का, इसको हम इस तरह से नोट कर, और ये साइकिल है लेंथ 1 का, ये जो नंबर है ये इसकी लेंथ बताता है, ये वाला नंबर, तो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसी तरह से ये परम्यूटेशन है 2, 1, 5, 6, 3, 7, एक मैंने लेंथ 6 का साइकिल ले लिया है, ये इसका स्ट्रक्चर ये है, और साथ मैंने मिसिंग नंबर क्या 4 पे इसकी लेंथ ये है, तो कई एलिमेंट्स जो हैं वो इनका साइकिल स्ट्रक्चर ये है। इसी तरह से 7 एलिमेंट्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 एलिमेंट्स को आप एक साइकिल में रख दें, 7 में से 5 इसमें चले गए बाकी 2 रह गए, 2 को आप एक और सिंगल साइकिल में रख दें, या फिर आप क्या करें 5 एलिमेंट्स को एक ही साइकिल में रख दिया बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग रख दिया, कुछ का ये फॉर्म है कुछ का ये स्ट्रक्चर, इनके 4 और 3 ऐड करके इनको क्या बन जाए, इनकी लेंथ को ऐड करने से क्या बन जाए 7 बन जाए, तो देखिए कितने कितने पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, ये है ये है ये है ये है।
तो इनके फिर पॉसिबल ऑर्डर्स अब क्या क्या आए हैं मैडम? ये सारे, हाँ ये सारे बनाने हमने सारे, हाँ सारे स्ट्रक्चर ऐसे आपने देखने हैं? बनाने नहीं, मैं इनके लिए बना रहे हैं, आपने इनका जस्ट स्ट्रक्चर ये वाला बताना है। S7 की जगह पे S8 गिवन हो, उसके साथ आपको काम करना आना चाहिए कि जैसे S7 का इन्होंने ये स्ट्रक्चर गिवन है, आप S8 का स्ट्रक्चर बना सकें। उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है इस एग्जांपल, उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड आउट करें। S7 में जो जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, जैसे ये जो जिन एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ये है उसका ऑर्डर क्या होगा बताएं? जो 7 साइकिल है उसका ऑर्डर 7 ही होगा ना, क्योंकि उसकी लेंथ 7 है। जो इस टाइप के एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 6 एंड 1, 6 और 1 का एलसीएम क्या है? 6। इसी तरह से जो इस टाइप के एलिमेंट है उनका जो है क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 1 1, वो 1। यानी इसमें ऑर्डर 5 के भी एलिमेंट है, देखिए ऑर्डर 7, ऑर्डर 6, ऑर्डर इसका क्या होगा? 10। इसका ऑर्डर 10 होगा ना, 5 और 2 का एलसीएम 10। फिर इसका आ गए 12, तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, ये चीज उन्होंने पूछी थी। उन्होंने कहा यही काम आप 10 फैक्टोरियल के साथ करें, यानी S10 के लिए S10 के एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, तो उसके लिए जहर आपको ये लिस्ट खुद से बनानी पड़ेगी ये वाली, ठीक है? तो उन्होंने एलिमेंट्स पूछा, एलिमेंट्स कितने हजारों एलिमेंट्स सारे थोड़ी लिख सकते हैं ऑर्डर्स, लेकिन हमें बताना चाहिए कि इसमें अगर कोई एलिमेंट का ये स्ट्रक्चर है तो उसका ये ऑर्डर होगा। मैम हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी साइकिल्स बनाएं। हाँ जी हमारी मर्जी है, हम जैसे मर्जी साइकिल्स बनाएं। नहीं नहीं आपकी मर्जी नहीं है, देखिए आपने 7 एलिमेंट्स को एडजस्ट करना, तो इसमें भी आपकी पॉसिबिलिटी है। आपने देखा 7 एलिमेंट्स से तो मैं स्ट्रक्चर बना भी सकती हूँ जो मैं लिख रही हूँ, जैसे आप इधर देख रहे हैं। मैम अगर हम साइकिल बना रहे हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या कैसे पता चलेगा? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर से S7 का बनाया है, S10 का हम बना रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मतलब ऐसे भी तो उस तरह से हमारा कोई शॉर्ट हो जाए कदा मतलब सेक जैसे हम देना वही पॉसिबिलिटीज काम, लेकिन इतना सा काम है, इतना सा काम है, अगर इसमें काम ही है मेन अगर ये भी काम ना कर सको तो इट मीन फिर आपके आप में एबिलिटी नहीं है फुल मार्क्स लेने की, फिर आपके नाम मार्क्स कटेंगे, फिर मार्क्स कटवा लेना। या आप काम ध्यान से मेहनत से करो तो आप तभी आप से गलती नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। जैसे जो काम ओके अब मैं ये लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ, काफी आपने प्रैक्टिस करनी है बिनके, ठीक है? ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। Tehreem, your host.